अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, जी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज मेरी मियाँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों को स्कूल नहीं गए छोड़ने, और क्योंकि समर वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे था इनका। वैसे तो 14 अगस्त वाले दिन भी फंक्शन था बच्चों का, लेकिन नहीं भेजा। और आज इनकी पूरी तैयारी थी बिल्कुल भी, तो बस तैयार हो ही रहे थे कि तैयारी होते होते रह गई है और बस बच्चों का स्कूल मिस हो गए। माहिर अभी खेल रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं घर और माहिर भी अलियार दोनों अब खेल रहे हैं। हम हैं मरियम मिठो के माहिर और अलियार के भी बिस्किट भी आ गए हैं। मैं आपका भी मुझे दे दें, मैं आपको मैं खोल के देती हूँ। ओके क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अलियार देखें रोटी बेल रहा है, अब ये इसके हाल है। ये हर काम में आगे होता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं रोटी बना रहा हूँ। वो देखो इसके हाल, ये क्या हो? आप तो 2 साल बाद ना खाना बनाना शुरू करेंगे मेरे ख्याल में, मुझे ऐसे लगता है। हैं? खाना बनाएंगे 2 साल बाद? हाँ। लगता है मुझे ऐसे। हाँ जी। ओ क्या देखिए, उसको खराब हो गया फिर उसको ठीक कर रहा है। ये हाल है बच्चों के। कुछ ठीक कर रहे हैं? अच्छा, बड़े आदमी हैं आप। आप बड़े आदमी हैं, खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। बाबा की रोटी बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जी सुबह सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी। 6 बजे हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मैंने रोटी बेल के उसके ऊपर घी लगा लिया, फिर उसको फोल्ड करके मैंने इस तरह से ये पेड़ा बना लिया। और अब मैं पराठा बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। और दूध पड़ा हुआ है यहाँ पर, अभी इसकी चाय बनाते हैं। ये जी बन रहा है पराठा, मैंने अभी तवे पे डाल दिया और अब थोड़ा सा पक जाए, फिर इसके बाद इसको साइड चेंज करते हैं, फिर घी लगाते हैं इस पर। हम सुबह नाश्ता जल्दी जल्दी करते हैं, सुबह 6 बजे जैसे ही गैस आती है ना उसके बाद फौरन नाश्ता बनना शुरू हो जाता है। पराठा बन गया तकरीबन। ये 7 वाले नेबर्स के बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं और ये सारे बच्चे ऊपर चढ़ के उन्हें देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यहाँ बन रहे जी बच्चों के लिए आलू वाले राइस बन रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू वाले राइस बहुत पसंद है। और भी बस थोड़ी सी देर है, मैं इसमें अभी चावल धो के डालती हूँ। चावल मैंने धो के अभी रख दिए हैं, पानी बॉईल हो रहा है तो अब इसमें चावल ऐड कर लेते हैं बस, फिर जैसे ही बनते हैं तो बच्चों को फिर मैं। आलू इसमें मैंने कुछ इस तरह से डाले हैं स्लाइस की तरह काट के, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। बस अभी फिर ढक्कन रखते हैं और इसको करते हैं जी बंद, और थोड़ी देर में ज़बरदस्त से जी राइस बन चुके हैं आलू वाले। और अब थोड़ी देर में बस इन्हें मैं दम पे रखती हूँ, और कुछ देर बाद जैसे ही दम पे आ जाएंगे तो बच्चों को सर्व करते हैं और मैं ख़ुद भी खाना खाती हूँ, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। क्योंकि चावल बिरयानी हो या दाल चावल हो, आलू वाले चावल हो, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे पसंद नहीं होंगे। हर बंदे की ये वो डिश है जिस जो फेवरेट है हर बंदे की, और हर बंदा इसे बड़े शौक से खाता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। कभी कभी बिरयानी से हट के और पुलाव से हट कर भी
आलू वाले चावल भी खा लेने चाहिए, बड़े मज़े के होते हैं। दाल चावल हो गए, सब्जी वाले चावल हो गए, बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो भी कभी कभी इंजॉय ज़रूर करना चाहिए। बच्चों के लिए मैंने ठंडा करके दूध कप में डाल दिए, अब मैं इन्हें देती हूँ, ये पी के सोते हैं और काफ़ी ज़्यादा तंग कर लिए है, बस आराम से सो जाएं, सुकून करें खुद भी और मुझे भी थोड़ा सा आराम कर लें। माहिर और मैं आज गए थे, थोड़ा सा काम था और माहिर अपनी आज एक और नई गाड़ी ले आए। बस मेरे बेटे को गाड़ियों का बहुत शौक है, क्या करें, जहाँ भी मेरे साथ जाता है शॉपिंग करने या कहीं भी किसी शॉप पे जाएं तो इसने गाड़ी ज़रूर लेनी होती है। अच्छा जी, आज मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये ऑल ओवर सूट है और इसके साथ है जी डायमंड का दुपट्टा। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने दामन पर कुछ इस तरह से करवाई है, इस तरह इसको स्टिच करवाई है और इसके साथ ये जो डायमंड का दुपट्टा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा है, देखिए जी इस तरह से। दुनियादारी के सारे कामों से फारिग हो के अब मैं थक हार के बज रहे हैं जी, अभी कोई टाइम है 1:30 बज रहा है और मैं अभी चाय अब पी रही हूँ, दोपहर की 11 बजे या 12 बजे पीती हूँ, मैं अब पी रही हूँ। अब मैं चाय बना के आई हूँ, बिल्कुल सारे काम अपने सारे ख़त्म करके चाय बनाई हूँ और अब मैं बैठ के पीती हूँ और माहिर और आजाद को सुलाती हूँ, तो सोते भी रहेंगे और मैं साथ अपनी चाय भी ख़त्म करूँगी, बहुत थक गई हूँ, बच्चे बहुत थका देते हैं, आज स्कूल भी नहीं गए और घर जब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं आराम से अपनी चाय बैठ के पीती हूँ और खाना मैंने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया,